जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार में बीपीएससी के माध्यम से यहां पर एक लाख सत्तर हजार की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी और आज आयोग में आयोग के कार्यालय में अगर देखा जाए तो दिन भर हलचल मचा हुआ था क्योंकि आज संडे था और संडे को ऑफिस जनरली बंद रहता है लेकिन यहाँ पर जो है हलचल मचा हुआ था कुछ ना कुछ तो अपडेट आएगा और देखिए अभी अपडेट आ चुका है दस बज रहा है और रिजल्ट का छात्र इंतजार कर रहे थे लेकिन यहां पर फाइनल आंसर की का अपडेट दिया गया है तो फाइनल आंसर की जारी किया गया है बीपीएससी टीआरई का यहां पर जो भी छात्र यहां परीक्षा दिए थे एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन पे क्या कहा गया है और यहां पर जो भी अपडेट है उसके अनुसार ही मैं आगे चर्चा करूंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी जो एडवर्टीज़मेंट संख्या है छब्बीस दो हज़ार तेईस जिसमें कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का यह डिटेल है जहाँ पर चौबीस अगस्त से छब्बीस अगस्त तक आयोजित आपकी परीक्षा हुई प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जहाँ पर जिन पदों पर अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के हेतु संबंधित विषयों का औपबंधिक उत्तर जारी किया गया था एक सेप्टेम्बर को और द्वितीय औपबंधिक उत्तर भी जारी किया गया था सोलह सेप्टेम्बर को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक और दिनांक 18 सितंबर से दिनांक 20 सितंबर तक यहां पर उम्मीदवारों की आपत्ति करने का अपडेट तो ये आपत्ति करने का आपको समय दिया गया था 20 सितंबर तक जिसमें कि आप लोगों ने आपत्ति भी किया है प्राप्त आपत्तियों के आधार पर यहाँ पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई और समीक्षा के उपरांत यहाँ पर कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर में संशोधन किए गए यानी कि दूसरी औपबंधिक उत्तर जो दिया गया था उसमें अब संशोधन कर दिया गया है तत्पश्चात विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श है ना उत्तर जो कि पंद्रह अक्टूबर से आयोग के वेबसाइट पर आपको बता दें कि आयोग की वेबसाइट जो कि बीपीएससी का है यहां पर यहां पर तत्पश्चात विषय विशे विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किया गया अंतिम आदर्श उत्तर यहां पर 15 अक्टूबर से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे तो 15 अक्टूबर से आप लोगों को यानी कि आज देखिए पंद्रह तारीख है और आज से ये आपका जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा इसको आप लोग ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा आप जिस भी विषय के शिक्षक बनने जा रहे हैं अपने आंसर की को यहाँ पे फाइनली डाउनलोड करके एक बार फिर से मिला लीजिएगा आप लोग जैसा कि आप लोग आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे देख सकेंगे ये सारे आंसर कीज़ आपको दी गए हैं और फाइनल आंसर की है जनरल स्टडी पेपर का जो कि सबके लिए है यहाँ पे पेपर टू का जो है यानी कि जो कक्षा एलेवेन्थ से ट्वेल्थ तक के लिए छात्र हैं उनका सेट ए दिया गया है जनरल स्टडी का ठीक है पेपर टू सेट ई का भी आंसर की दिया गया है जो कि लैंग्वेज पेपर है आपका यहां पर पेपर वन जो कि नौ से दस की कक्षा के लिए है छात्र जिनका लैंग्वेज पेपर का एग्जाम हुआ था तो सेट ई e है उनका ठीक है तो इस तरीके से जो आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा ये आप लोगों का है ठीक है अब जनरल स्टडी और सब्जेक्ट को लेकर कक्षा नौ से दस का जो जैसे कि लैंग्वेज पेपर में हिंदी है बैंगला है उर्दू है संस्कृत है अरेबिक है पर्सियन है इंग्लिश है साइंस है मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस का है तो ये आप लोग यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं ये फाइनल आंसर की है अब इसमें कोई भी आप लोग का आपत्ति नहीं लिया जाएगा और यहाँ पे जो है आप लोग का फाइनल आंसर की दे दिया गया चलिए एक किसी का मैं डाउनलोड करके दिखला देता हूँ कैसा है यहाँ पर तो चलिए मैं यहाँ पे सोशल स्टडी का सोशल साइंस का यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे ये सामने आपका आ जाएगा और ये चूंकि देखिए फाइनल आंसर की है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अपडेट किया गया है जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या छब्बीस दो को लेकर है सेकेंडरी स्कूल का है एग्जामिनेशन डेट हुआ था इसका 26 अगस्त को पहले पाली में फाइनल आंसर की है जनरल स्टडी और सोशल साइंस को पेपर थर्ड यहाँ पे कहते हैं इसको ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो है आप लोग इसको अब मिलाइए इसको है ना है? सेट ए बी सी और डी ये चारों आपके सेट्स का दे दिया गया है यहाँ पर सीरीज का ठीक है अब ये क्वेश्चन नंबर एक जो आंसर बी होगा उसी में सेट बी में यानी कि सीरीज बी में आपका क्वेश्चन नंबर उन्नीस सेम क्वेश्चन है ठीक है तो यहाँ पे आंसर इसका बी होगा और वही सीरीज सी में क्वेश्चन नंबर २९ जो है उसमें सेट सी में यही सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और यहां पे सेट डी में क्वेश्चन नंबर उनतालीस का यही सेम क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपका आंसर सी होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे रिमार्क नहीं दिया गया रिमार्क आप लोग का जो है सेकेंड औपबंधिक उत्तर दिया गया था उसमें अपडेट कर दिया गया था तो यहाँ पर जो है फाइनली आपका अपडेट किया गया है और कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं जैसे कि एच फॉर हिस्ट्री है ई फॉर इकोनॉमी है जी फॉर ज्योग्राफी और पी फॉर पॉलिटिकल साइंस है तो इसको आप लोग इस तरह से मिलाइएगा दोस्तों ठीक है जो भी आपके क्वेश्चन है जिस सब्जेक्ट से है उसका ये शॉर्टकट अब यहां पे अपडेट तो किया गया तो कुछ इस तरीके से है जो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं ओके अब लैंग्वेज पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर देखिए जैसे कि ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे है ना जो कि आपका पेपर टू का है पेपर टू यानी इलेवन ट्वेल्थ का तो यहाँ पे जो लोग इसका एग्जाम दिए थे सेट ई वाला यहाँ पे दिया गया है फाइनल आंसर की में तो यहाँ से आप क्लिक करिएगा तो ये आपका पेपर वन का लैंग्वेज पेपर वाला है तो इस तरीके से आप यहां से भी ला सकते हैं ये एग्जाम आपका पच्चीस अगस्त को हुआ था तो ये जानकारी यहाँ से हमने आपको दी है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी ताकि हर वो छात्र जो है इस वीडियो को देख रहा है तो शेयर कर देंगे तो आप वो आंसर जो है फाइनली आप मिला सकेंगे वैसे तो इंतज़ार हो रहा था यहाँ पर छात्र इंतज़ार कर रहे थे कि बारह बजे तक कुछ नया देखने को मिलेगा लेकिन अभी देखिए दस बज रहा है और अभी दस बज रहा है तो कुछ ना कुछ नया देखने को अभी बारह बजे भी मिल सकता है छात्र इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का और जैसा कि यहाँ पर अपडेट आ रहा था कि रिज़ल्ट जो है आने की संभावना जो है कक्षा ग्यारह से बारह की है और साथ में कल तक जो है कक्षा नौ से दस का है अपडेट आ जाएगा जो कक्षा एक से पाँच वाले अभ्यर्थी हैं उनको बीस तक अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है तो देखिए आशा करते हैं कि आज नवरात्र भी शुरू हुआ है और ये हम ईश्वर से कामना करेंगे कि जितने भी छात्र आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं खासकर और ख़ासकर वो बिहार के हैं उन लोगों से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लगाव है तो आप लोगों का रिजल्ट हो ये कामना करते हैं आप सभी का सभी का रिजल्ट हो मैं कामना करता हूँ यहाँ से और इस चैनल के माध्यम से क्योंकि आप लोग भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और खासकर बिहार एस टी के एग्जाम से जुड़े हुए हैं बी एग्जामिनेशन टीचर बहाली को लेकर जुड़े हुए हैं तो ये सारी अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं तो रिज़ल्ट में अभी थोड़ी सी विलंबता हो सकती है लेकिन ये अपडेट दिया जा चुका है तो कुछ ना कुछ सुखबुगाहट हो रहा होगा बारह बजे का इंतज़ार और कर लीजिए आप लोग थोड़ा अपने रिजल्ट को लेकर फिर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है आप आराम से चैन की हिंस सो सकते हैं हो सकता है कि सुबह आप लोगों का रिजल्ट का अपडेट कुछ दिया जाए है ना कुछ ना कुछ देखिए क्या हो रहा है लगातार जो ऑफिशियल लेटर्स हैं वो वायरल हो रहे हैं चाहे वो शिक्षा विभाग का हो चाहे आपका बीपीएससी का हो वो पहले ही वायरल हो जा रहा है फिर उसके बाद उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला जा रहा है तो ये औ, ये जो है चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से तो सरकार इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा सतर्क रह जाए हो जाए यहाँ पर क्योंकि उनके ऑफिशियल लेटर जो है ना ये कहीं ना कहीं से वायरल हो जा रहा है आप लोग सभी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सभी जगह वो पहुँचाए जा रहे हैं और चूँकि सोशल मीडिया का जमाना है तो ये चीज़ें हो रही हैं और अभी तक अभी तक देखिए अगर रिजल्ट आना होता रात को बजे तक का तो कुछ ना कुछ यहां पे निकलती और वो भी वायरल होता लेकिन अभी फाइनल यहाँ पे आंसर की दिया गया है बीपीएससी के द्वारा जो कि हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी और मैं एक बार आपको जो है ना इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन पर जाके और इसका रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोई अभी अपडेट नहीं दिया गया है डैशबोर्ड पे और ये अभी तक आपका ओ वाला जो है लिंक यहाँ पे अप टू डेट किया गया है तो ओ वाला लिंक है यहाँ पे अभी फिलहाल आपका है ना ये चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं ये इसकी जगह पे ना आपका रिजल्ट आ जाएगा ये हटा दिया जाएगा आज बारह बजे के बाद तो एक बार बारह बजे भी रीचेक कर लीजिएगा और अगर मैं देखता रहा यहाँ पर तो ज़रूर बारह बजे एक वीडियो आपको अपडेट करके दूँगा जय हिंद मिलेंगे अगले वीडियो में